आज के इस वीडियो के अंदर हम सर्किट ब्रेकर का चेंज किस तरीके से किया जाता है वो पता करेंगे। तो दोस्तों हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। दोस्तों सर्किट ब्रेकर, सारे सर्किट ब्रेकर का चेंज एक ही तरीके से किया जाता है, पर उनके जो सेफ्टी फीचर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों वैसे अब मैं मेरे चैनल के ऊपर सर्किट ब्रेकर के रिलेटेड वीडियो और डालूंगा, तो आपको कुछ भी सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि अब मैं सर्किट ब्रेकर के टाइप्स एंड सर्किट ब्रेकर के फीचर्स, इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो और थ्योरिकल वीडियो दोनों अपलोड करता रहूंगा। तो दोस्तों अभी हम सर्किट ब्रेकर की साइजिंग सिलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। सर्किट ब्रेकर के अंदर दोस्तों हमारा ACB भी हो सकता है, VCB भी हो सकता है, और घरों के अंदर MCB भी यूज किया जाता है। यानी जो भी सर्किट ब्रेकर है इन सबका CB का मतलब क्या होता है लास्ट में, जैसे A का मतलब हो गया एयर सर्किट ब्रेकर, CB का मतलब सर्किट ब्रेकर, VCB का हो गया वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, MCB का हो गया मिनीचर सर्किट ब्रेकर, इसी तरह MCCB, ELCB, यानी जितने भी सर्किट ब्रेकर है ना इनका चयन सब एक ही तरीके से होता है। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों 40 किलोवाट लोड का, ठीक है। 40 किलोवाट मतलब 40 किलोवाट लोड का, जो कि वोल्टेज है दोस्तों 415 वोल्टेज पे, और दोस्तों इसका पावर फैक्टर जो मानते हैं हम, पावर फैक्टर मानते हैं हमारे लोड का 0.8। दोस्तों ये पावर फैक्टर 0.8 कैसे आया और कैसे हमको, आपको पता नहीं कि पावर फैक्टर हमारा क्या है तो कैसे पता करें, तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है। तो दोस्तों अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो के एंड में मैं आपको वीडियो सजेशन में दिखा दूंगा, अगर नहीं तो मैं आपको ऊपर आई करके बटन में भी लिंक दे दूंगा, अगर आपको लास्ट में नहीं मिलता है तो आप ऊपर आई करके बटन से देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमको निकालना है सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर कितने का लगा है, ये हमारे पास कंडीशन है। दोस्तों ये 415 वोल्टेज है मतलब 3 फेज है, कोई बात नहीं, आपको सिंगल फेज भी इसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हमको जितने भी किलोवाट है इस किलोवाट को केवी में कन्वर्ट करना है, और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि केवी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, केवी निकालना बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि अभी भी हमको पावर फैक्टर पता है। तो जितने भी किलोवाट है, जैसे 40 किलोवाट है तो 40 किलोवाट के अंदर पावर फैक्टर को भाग लगा देंगे, बस हमारा केवी आ जाएगा। इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए। तो दोस्तों केवी निकालने के लिए हमेशा किलोवाट जितने भी है उसके अंदर आप पावर फैक्टर मतलब कोस थीटा कितना है उसका भाग लगा दीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया कि कोस थीटा, इसमें कन्फ्यूजन मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो दोस्तों 40 किलोवाट के अंदर मैं 0.8 का भाग लगाऊंगा। तो दोस्तों मैंने पहले ही भाग लगा रखा है इन दोनों को, तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आता है वो आता है मेरा 50 KVA। तो दोस्तों अब मेरे को पता चल गया मेरा जो लोड है 50 KVA का है। अब दोस्तों अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को दोस्तों करंट निकालना पड़ेगा एक बार कि आखिर में मेरा जो लोड है वो आखिर करंट कितना ले रहा है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जितने भी हमारे ब्रेकर है सबकी रेटिंग हमारे एम्पेयर में ही आती है, चाहे ACB ले लो, चाहे VCB ले लो, चाहे MCB, MCCB, ELCB, जितने भी ब्रेकर होते हैं इनकी रेटिंग किस में आती है दोस्तों, एम्पेयर में। जैसे 1000 एम्पेयर हो गया, कोई 400 एम्पेयर हो गया, हमारे जो MCB आती है वो आती है 63 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, यानी जितनी भी होती है एम्पेयर के ऊपर आती है। तो दोस्तों हम करंट निकाल लेंगे इसका, तो करंट मतलब एम्पेयर निकाल लेंगे। तो दोस्तों एम्पेयर निकालना बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमको केवीए पता चल गया है, तो केवीए से एम्पेयर निकालना। अभी आप सिंगल फेज भी पता कर लोगे और 3 फेज भी पता कर लोगे, मैंने आपको बोला दोनों आपको क्लियर कर दूंगा, सिंगल फेज 3 फेज। तो अगर मैं 3 फेज की बात कर रहा हूं अभी, तो 3 फेज लेकर चल रहा हूं, तो दोस्तों केवी कितना है हमारा 50 KVA, तो 50 ऊपर लिख दूंगा 50 KVA। तो दोस्तों नीचे हम वोल्टेज का भाग लगा देंगे सिर्फ, तो वोल्टेज कितना दोस्तों हमारा 415 वोल्टेज। दोस्तों आपको एक और चीज़ का बताऊँ, अगर 3 फेज है और सिंगल फेज, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर होने वाला है। 3 फेज है दोस्तों, तो 3 फेज के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके वोल्टेज साल में √3 मल्टीप्लाई करना है। ये √3 की वैल्यू क्या होती है, वो फिक्स होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 415 कर देता हूँ, ठीक है। और ये 50 KVA, तो KVA का मतलब होता है K का मतलब होता है कभी भी K आ जाए ना तो आपको इसको किलो हटाना है, इसको K को हटाना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के लिए इस K को हटाना पड़ेगा। तो K हटाने के लिए क्या होता है दोस्तों, 3 जीरो हटा देते हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा MVA होता है, MW होता है, तो यहाँ पे जो M हटाने के लिए क्या करते हैं, M हटाने के लिए 6 जीरो लगाते हैं। तो अभी क्या है, अभी K है, अगर आपको फिर भी अगर कन्फ्यूजन रहता है तो जैसे 50 KVA है तो 50 KVA इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर 3 जीरो लगा सकते हो, तो अब जैसे मैं 50 × 1, 2, 3 K हट गया और ये रह गया VA। तो दोस्तों अभी ये 3 फेज है, 3 फेज के लिए क्या करा मैंने, √3 की मल्टीप्लाई करा। अगर सिंगल फेज होता, सिंगल फेज के लिए क्या करता दोस्तों, मैं यहीं पे ही आपको मार्किंग करके बता रहा हूँ। जैसे 50 KVA मानते हैं, 50 डिवाइड बाय वोल्टेज, ओनली वोल्टेज आ जाता है यहाँ पे, जैसे 220 वोल्टेज मान लो, और ये √3 कुछ नहीं आता, बस यानी 220 से डिवाइड हो जाता। तो दोस्तों इसको एक बार मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो दोस्तों 415 × 1.732, ये 1.732 है हमारी √3 की वैल्यू। तो दोस्तों 50,000 ऊपर 50 जाएगा, 50,000 वापस आ जाएगा, और नीचे दोस्तों आ गया 718 मल्टीप्लाई के बाद, इन दोनों को मल्टीप्लाई के बाद आया 718। तो दोस्तों इसको सोल्व कर लेते हैं हम, कितना आया 50,000 डिवाइड बाय 718। तो दोस्तों जो मेरे जो एम्पियर आएंगे वो आएंगे 69.63, तो मतलब 69.63 एम्पियर, मतलब दोस्तों लगभग 70 एम्पियर, लगभग क्या, इसको 70 एम्पियर ही बोलेंगे हम। तो दोस्तों अब हमारे पास करंट तो आ गया, अब हमको सर्किट ब्रेकर कितने की रिक्वायर्ड है वो हमको देखना है। तो CB मतलब सर्किट ब्रेकर रिक्वायर्ड, आखिर सर्किट ब्रेकर की रिक्वायर्ड
कितनी है। तो दोस्तों हमारे सर्किट ब्रेकर हमेशा हम चयन करते हैं जो कि करंट होता है। सबसे पहले हम करंट निकालते हैं और करंट के अंदर दोस्तों 25% सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से मतलब दोस्तों ये एक सेफ्टी रीजन है, यानी इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अनुसार हमारा जितना भी करंट आया, जैसे अगर हमारा लोड अगर 10 एम्पियर ले रहा है तो 10 एम्पियर उसका हम 25% मतलब मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये हमारी इलेक्ट्रिकल थ्योरी कहती है कि हमको हमेशा उसका 25% का ब्रेकर लगाना चाहिए। तो दोस्तों अभी जैसे हमारा करंट जो आया 70 एम्पियर आया, तो 70 मल्टीप्लाई बाय कर लूँगा मैं 1.25, यानी 25% मतलब 1.25। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो मेरा आएगा 70 × 1.25। तो दोस्तों जो मेरी वैल्यू आई वही 87.5। तो दोस्तों जो मेरे को सर्किट ब्रेकर जो लाना पड़ेगा वो 88 एम्पियर का लाना पड़ेगा। पर दोस्तों आपको पता है कि मार्केट के अंदर हमारे 88 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर अवेलेबल नहीं है। अगर सर्किट ब्रेकर अवेलेबल होता है तो आपको 88 एम्पियर का ही लाना है आखिरकार। पर दोस्तों इसके ऊपर की रेंज में, इससे नीचे नहीं कि 88 एम्पियर का नहीं, 80 का है तो आप 80 का लिया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। वैसे 80 का भी नहीं आता है, पर अगर 80 का मिल गया तो आपको 80 का लिया, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि लोकल ब्रांड बनाते हैं। तो दोस्तों आपको जो इसके ऊपर की जो संख्या है उसका ही लाना है। तो दोस्तों हम जो सर्किट ब्रेकर चेंज करेंगे वो 100 एम्पियर का करेंगे, क्योंकि हमारे मार्केट के अंदर 88 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर अवेलेबल नहीं है। इसका जो फर्स्ट ऊपर का जो सर्किट ब्रेकर मार्केट में अवेलेबल है उसका हम चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। आपका पावर फैक्टर के रिलेटेड जो भी डाउट है वो आपको ऊपर आई करके बटन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के प्रति तथा सर्किट ब्रेकर के रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।